अगर H2SO4 यूज करा, डाइल्यूट H2SO4 यूज करा, तो नाइट्राइड ने पहले एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड इसने जनरेट करने हैं, और इसके बाद एक ब्लू कलर सॉल्यूशन, एक ब्लू कलर गैस, एक ब्राउन, दिस इज द ब्राउन गैस, और ये एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड है, ये एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड है, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। यहां पे इस चीज का ध्यान रखना है, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एक एसिड नाम होना है, एक एसिड नाम होना है, और अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहां पे एस एसिड नाम होना है, एस एसिड, जैसे नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, HNO2 और HNO3। ये क्या है जी HNO3, ये क्या है HNO2। तो ये नाम रैंडम नहीं है, पहले भी डिस्कस करा, बार बार एक ही बात रिपीट करने का फायदा नहीं, ये IUPAC की एक सिलेक्टेड मेथोडोलॉजी है और हमें इसे यूनिफॉर्मली फॉलो करना है। तो पहली केस में हमने जब H2SO4 यूज करा तो उसने क्या जनरेट करा, उसने एनहाइड्राइड जनरेट करे किसके, नाइट्रस एसिड के, और फिर आगे उसने क्या करा, उसने एक ब्राउन गैस जनरेट कर दी। ये ब्राउन गैस बार बार सॉल्ट एसिड के अंदर आनी है, एक ब्राउन गैस और एक ब्राउन रिंग, ये बार बार आ जानी है, ठीक है ना, ब्राउन गैस और ब्राउन रिंग। अब एक दूसरा तरीका ये हो सकता कि यहाँ पे NO2 के साथ हमने क्या करा कि KI के सॉल्ट KI ली, उसे नाइट्रिक, उसे एसिटिक एसिड के साथ गर्म करा, पहले क्या करा KI ली, उसे उसमें HNO2 डाला, फिर उसे एसिडिफाई करा किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, और यहाँ पे एक ब्लू कलर सॉल्यूशन जनरेट हो जाने हैं, ये एक ब्लू कलर सॉल्यूशन जनरेट हो जाने हैं, और वापस NO गैस निकलनी है, ये NO गैस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वापस इसने NO2 जनरेट कर देना है, वापस इसने NO2, कहीं भी NO जो जनरेट हो रखा है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, उसने NO2 के अंदर खुद को कन्वर्ट करना है। इसके एक और भी टेस्ट हो सकते हैं Fe के साथ, अगर हमने इसे Fe2 पॉजिटिव H2SO4 और NO के साथ रिएक्ट करा, ये जो NO गैस है इसके आइडेंटिफिकेशन कैसे, अगर हमने इसको इनके साथ यूज करा, ये ब्राउन रिंग है, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्राइट भी देने हैं और नाइट्रेट भी देने हैं, नाइट्राइट ने भी टेस्ट देना है, नाइट्रेट ने भी टेस्ट देने हैं। तो यहाँ पे एक चीज जो यहाँ पे लिखने रखी है, इसके अंदर H2O होल 5 भी होने हैं, कई बार तुम्हें H2O होल 5 लिखा मिलेगा, कई बार नहीं लिखा मिलेगा, दोनों ही फॉर्मूले सही है, ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है जहाँ पे H2O होल 5 दे रखा है, लेकिन कई बार वो एग्जाम के अंदर H2O होल 5 नहीं देते, क्योंकि बच्चे ने ये फॉर्मूला रट्टा मारा होता है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये अपना ब्राउन रिंग है, ये अपना ब्राउन रिंग है। तो नेक्स्ट टेस्ट है इसकी थायो यूरिया के साथ, कैसे करा, सोडियम सॉल्ट ली, सोडियम सॉल्ट ले रखी है, इसे एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करा, इन दोनों ने HNO2 यानी नाइट्रस एसिड जनरेट करी, इस नाइट्रस एसिड ने थायो यूरिया के साथ कंबाइन करा और HSCN जनरेट करी, ये क्या है भाई, थायोसाइनिक एसिड, ये थायोसाइनिक एसिड है। अब इस थायोसाइनिक एसिड को अगर तुमने FeCl3 के साथ रिएक्ट कराए, अगर तुमने इसे FeCl3 के साथ रिएक्ट कराई, तो इसने एक ब्लड रेड प्रेसिपिटेट जनरेट करना है, इसने एक ब्लड रेड प्रेसिपिटेट जनरेट करना है, और ये उस ब्लड रेड प्रेसिपिटेट की कॉम्बिनेशन फॉर्मूले है। तुम्हें ये ब्लड रेड प्रेसिपिटेट भी कई सारी जगहों पर मिल जाने हैं, खास करके वहाँ जिस कंपाउंड में एक साथ सल्फर और नाइट्रोजन दोनों हों, ये हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ही पढ़ी थी कि अगर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों एक साथ हो तो कैसे कंपाउंड बनते हैं, ब्लड रेड कलर कंपाउंड बनते हैं, तो ये कोई नई सी बात नहीं है। हाँ, ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, एक रिपीटेड मोड है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये चीज़ें हमने वापस रिपीट करी। अब एसीटेट के साथ बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर तुमने उसके ऊपर H2SO4 यूज करो तो विनेजर की स्मेल आ सकती है, विनेजर मीन्स एसिटिक एसिड, ये विनेजर की स्मेल आ सकती है, एक तरीका है। दूसरा तरीका है Fe3 पॉजिटिव के साथ इसके रिएक्शन, Fe3 पॉजिटिव के साथ यानी FeCl3 के साथ, यहाँ पे बेसिकली FeCl3 के साथ रिएक्शन है। FeCl3 के साथ हमने जब एसीटेट को गर्म करा तो उसने ब्लड रेड कलर जनरेट करी, ये भी एक ब्लड रेड कलर है।
तो एक ब्लड रेड रखा था SCN के साथ FeK और एक ब्लड रेड इस वाली कंपाउंड के साथ है। यहां तुम्हें ऐसे लगेगा कि FeK कितने सारी वैलेंसी है, 2+6 8 वैलेंसी है। इस बात के ऊपर डिबेट कर सकते हैं कि क्या 8 वैलेंसी हो सकती है। हम डिबेट कर सकते मतलब इस वाली केस में तुम डिबेट कर सकते हो, मगर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा ये सारी बातें एक एफ ई के रेस्पेक्ट में नहीं है। एक एफ ई है क्या, तो फिर बहस क्यों किस बात की भाई, यहाँ पे 3 FE है तो वैलेंसी रूल वायलेट नहीं हो रही है। कोई भी सेकेंडरी वैलेंसी की जो लिमिट है वो वायलेट नहीं हो रही। और दूसरी बात कि जो एफ ई का पार्ट है, एफ ई में मैक्सिमम 6 शो कर सकते, लेकिन एफ ई के नीचे तो कितना शो कर सकते, 8 शो कर सकते, और नीचे चले जाए तो 12 तक शो कर सकते कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे बहस एंड हो जाती है। क्यों एंड हो जाती, क्योंकि भाई साहब हम 3 FE की बातें कर रहे, 1 FE की बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर मान लो हमने इसे बेसिक मीडियम में लिया, ये तो अपना एसिडिक मीडियम है, लेकिन अगर हमने इसे बेसिक मीडियम में लिया और बॉयल करा, इसी पार्ट को थोड़ा बेसिक मीडियम में लेकर बॉयल करा, तो यहाँ पे ये ब्राउन रेड है, ये ब्राउन रेड है। तो मैं इन कलर चेंजेस का तुम्हें बता रखा है। इस पूरे केस में क्या है, कलर या प्रेसिपिटेट, कलर और PPT, उसके फॉर्मूले याद रखने तुम्हें। उसने एक इक्वेशन दे रखा होगा, उस इक्वेशन को तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है। तो इक्वेशंस यहाँ पे दे रखे हैं, कलर के बारे में तुम्हें केयरफुल होना है, कलर को लेके तुम्हें काफ़ी कंफर्टेबल रहना है, कलर को लेके तुम्हें थोड़ा कॉशियस भी रहना है कि कौन से कलर की कौन सी कंपाउंड है। और इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि एक कलर के एक ही कंपाउंड होते ऐसा सोचना बेवकूफ़ी है। एक कलर के एक कंपाउंड होते ऐसा सोचना बेवकूफ़ी है। कलर के किसी कंपाउंड ने पेटेंट नहीं ले रखे। और यहाँ से इन्होंने क्लासिफाई कर रखा है A और B। ए बोले तो उन कंपाउंड्स को जो डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ गैस इवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगर बी बोला तो यहाँ पे इन्होंने ए बोल रखी है। ए का मतलब है जिनके साथ गैस जनरेट हो रखी है। ए का मतलब है जो गैस जनरेट कर रहे हैं किसके साथ, आइदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। लेकिन अगर ना करा तो बी पार्ट बना रखी है जिसमें गैस इवॉल्व नहीं हो रखी है, चाहे आपने H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड यूज करा हो या डाइल्यूट। तो फिर उसमें यूज क्या करते हैं, तो यहाँ पे PPT फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है भाई, PPT। तो एक PPT फॉर्मेशन है। तो अभी ए वाली पार्ट के अंदर देखते हैं वो चीज़ें जो गैस जनरेट कर सकती है, फिर बी का पार्ट है जहाँ पे गैस जनरेट नहीं हो सकती, जैसे ब्राउन रिंग एक्सपेरिमेंट है। ब्राउन रिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई गैस जनरेट नहीं हो रही, वहाँ पे एक रिंग फॉर्मेशन हो रही है। ऐसे ही फॉस्फेट के साथ एक कैनरी येलो प्रेसिपिटेट, वो भी एक प्रेसिपिटेट है, कोई गैस नहीं बन रही। लेकिन अगर हम क्लोराइड की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि तुमने किसी क्लोराइड को हिट करा, इट इज़ गोइंग टू जनरेट Cl2, इट्स ए पंजेंट स्मेलिंग गैस। ये एक न्यूरोटॉक्सिन भी है और पंजेंट स्मेलिंग गैस भी है, इसलिए इसे वर्ल्ड वार वन के अंदर इसे मिलिट्री वेपन के फॉर्म में यूज करते थे। जिस वाली साइड हवा जा रही उस वाली साइड क्लोरीन गैस छोड़ दिया करते थे। लेकिन इसका नुकसान भी है, हवा थोड़ी देर गई और बाद में हवा ने अगर अपना डायरेक्शन चेंज करा तो जिन लोगों ने गैस छोड़ी थी वो खुद इसके विक्टिम हो सकते थे। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को वापस देखना है कि क्लोरीन की जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्लोरीन की कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है। तो हमने कंपाउंड ले रखी है, उसमें Cl- ये Cl- लिखा होना था, तो Cl- को H2SO4 के साथ पास करा तो इसने क्या जनरेट करा, HCl। लेकिन HCl जनरेट हो गई, इसका एविडेंस क्या है, इसका एविडेंस ये है कि अगर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ HCl को यूज करा तो डेंस फ्यूम गैस जनरेट हो जाती है, डेंस फ्यूम जनरेट होती है। और ये जो डेंस फ्यूम है इसका फॉर्मूला है अमोनियम क्लोराइड। तो मैं ये ध्यान रखना है कि हर डेंस फ्यूम का फॉर्मूला अमोनियम क्लोराइड नहीं है। लेकिन अगर उसने ऐसी कोई कंडीशन यूज करी जहाँ पे HCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कॉन्टेक्ट में आ रहा, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि यहाँ पे उस डेंस फ्यूम का फॉर्मूला अमोनियम क्लोराइड ही होना है। और अगर हमें ये चेक करना है तो एक और भी तरीका हो सकता है कि क्लोरीन गैस कैसे जनरेट हो गई, MnO2। MnO2 का मतलब Mn+4 के अंदर है, तुमने इसको यूज करा तो Mn खुद तो रिड्यूस हो रखा है लेकिन इसने क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर दिया और यहाँ पे क्लोरीन गैस बाहर आ जानी है, इट्स ए स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेलिंग गैस। इसकी एक और भी चीज़ हो सकती है, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या कर सकते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या करा भाई इस वाली केस के अंदर, क्या करा हमने, क्लोरीन ली और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज करो, इसने AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट इसने जनरेट करी। ये वाइट प्रेसिपिटेट है,
अब इसके दो सवाल आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी और नॉर्मली भी। पहले सवाल के अंदर ये होता है कि क्या ये अमोनियम क्लोराइड, क्या ये सिल्वर क्लोराइड जो इनसॉल्युबल है किसी केस के अंदर सॉल्युबल हो सकता। आंसर है अगर हमने इसके अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्रिएट कर दी तो सॉल्युबल है। तो यहाँ पे अगली लाइन में यही बना रखा है कि इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तब ये एक सॉल्युबल फॉर्म है। यानी AgCl की जो वाइट प्रेसिपिटेट है जिसके बारे में इतना शोर मचा रहे, ऐसा नहीं है कि वो लास्ट मतलब बिल्कुल भी इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है कहाँ पे? वाटर के अंदर। लेकिन अगर हमने उसे अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया और उसने अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म करी देन इट इज़ गोइंग टू फॉर्म ए सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन क्या ये आखिरी सच है? आंसर है नहीं, आखिरी तो कुछ भी नहीं है। अगर हमने इस वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर HNO3 डाल दी तो इसने वापस AgCl जनरेट कर दिया। यानी अगर बेस में रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही तो एसिड में रिएक्शन रिवर्स आ जानी है, अगर बेस में रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही तो एसिड के अंदर वो रिवर्सिबल आनी है। एसिड बेस पार्ट है जो इक्विलिब्रियम के अंदर भी तुमने नोटिस करी होगी, नहीं नोटिस करी तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे कोई नई सी बात नहीं पड़ रहा है। सॉल्ट एनालिसिस कोई एक डिफरेंट चैप्टर नहीं है। सॉल्ट एनालिसिस क्या है? हर एक पार्ट से हमने सिरिंज लेके कुछ कुछ चीज़ें बाहर निकाली, उनको इकट्ठा कर दिया, उसे कह रहे सॉल्ट एनालिसिस। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के अंदर भी पढ़ी है, या वी आर एक्सपेक्टेड टू रीड ऑल दिस थिंग्स, वेदर वी रीड इट और नॉट इट्स अ डिफरेंट मैटर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी कि अगर क्लोराइड है तो उसकी एक टेस्ट हो सकती है सिल्वर मेरे टेस्ट। कैसे करा? AgNO3 डाल दी और उसने वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट कर दी। क्या ये वाइट प्रेसिपिटेट हमेशा इनसॉल्युबल है? आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर आपने अमोनियम सॉल्ट यूज करा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करा तो इसने तो दे आर गोइंग टू फॉर्म ए सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। Whether this reaction can be reversed, answer is of course. If in the basic medium it is going to form a soluble complex, then in the acidic medium it is going to regenerate the AgCl. तो यहाँ पे salt analysis तो कुछ भी नहीं है, ये equilibrium और acid base concept है। इसके साथ अगर हमें chromyl chloride test, एक test और भी है chromyl chloride test। तो ये chromyl chloride है डीप रेड वेपर्स। अगर तुमने इसे Cr2O7 के साथ एसिडिक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म करा, रेड वेपर जनरेट हो जाती है। ये वापस एक न्यूरोटॉक्सिन है, ये वापस एक टॉक्सिन सब्सटेंस है, न्यूरोटॉक्सिन। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, हर वो रिएक्शन जो एसिडिक मीडियम में कुछ जनरेट कर रही है बहुत ज़्यादा चांसेस है, इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी दैट इन द बेसिक मीडियम इट इज़ गोइंग टू जनरेट समथिंग डिफरेंट। तो अगर तुमने यहाँ पे बेस यूज करा, इस वाली कंपाउंड के साथ बेस यूज करा, तो ये क्रोमेट के अंदर सोडियम क्रोमेट के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। वो एग्जाम के अंदर पूछते ये इक्वेशन डाल दिए और ये पूछते, ज़्यादातर बच्चे क्या करते Cr2O7 लिखाते। लेकिन ये NCERT के अंदर उन्होंने इस तरीके का एक जगह पूछ रखा है Cr2O7 को Cr2O42 नेगेटिव में कन्वर्ट करना, तो लोग उस वाली बात को इसके साथ कोरिलेट कर लेते हैं। तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है। वहाँ पे उन्होंने क्रोमाइल क्लोराइड को डिस्कशन में तो लेकर नहीं आया ना भाई, वो क्रोमाइल क्लोराइड के डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है, वो क्रोमेट और डाइक्रोमेट के बीच का मैटर है। तो उस वाली पार्ट से कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि अगर आपने क्रोमाइल क्लोराइड को बेस के साथ रिएक्ट करा तो उसने क्रोमेट फॉर्म क्रोमेट सॉल्ट यूज करने हैं, और इस क्रोमेट सॉल्ट को अगर तुमने लेड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराई तो इसने लेड क्रोमेट का एलो प्रेसिपिटेट जनरेट कर देना है, लेड क्रोमेट का एलो प्रेसिपिटेट जनरेट कर देना है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, वो कहते हैं कि ये जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है ये हमेशा आपको एनहाइड्रस टेस्ट ट्यूब के अंदर करना है। यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड यूज करा है, यानी पानी वानी होने नहीं चाहिए। मगर क्यों? क्योंकि अगर पानी हुई तो क्रोमाइल क्लोराइड फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा, तब क्रोमिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट होना है, तब यहाँ पे क्रोमिक एसिड होनी है, और क्रोमिक एसिड इस तरह के कंपाउंड्स नहीं होते। यानी जो तुम जिस बात को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेड वेपर्स आर गोइंग टू बी फॉर्म, वो फॉर्म नहीं होने हैं। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में ड्राई क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इन दैट केस द क्रोमाइल क्लोराइड में गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमिक एसिड, एंड दैट क्रोमिक एसिड डोंट हैव रेड वेपर्स, सो यू कैन नॉट डिटेक्ट वेदर दिस रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। अब अगर ब्रोमीन के साथ यही सारी बातें करें, अगर हमने HBr ली तो इसने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ Br2 इवॉल्व करा, इसने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ Br2 इवॉल्व करा। बेसिकली इसने पहले क्या इवॉल्व करा था? HBr, और उसने बाद में क्या जनरेट करा? उसने दूसरे स्टेज के अंदर क्या जनरेट करा? Br2 ब्राउनिश लिक्विड है।
ये चीज हम वापस जनरेट कर सकते हैं MnO2 के साथ। जो क्लोरीन के साथ प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम यहाँ भी है, ये प्लस फोर से प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा और इसने माइनस वन को जीरो के अंदर कन्वर्ट करा, एक पार्ट ऑक्सीडाइज, दूसरी पार्ट रिड्यूस, इट्स ए रेडॉक्स रिएक्शन, इट्स ए टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या ये जो पार्ट है अगर हमने इसकी सिल्वर मिरर टेस्ट करी तो ये रिस्पॉन्ड करेगा? आंसर बिल्कुल करेगा। अगर हमने सिल्वर मिरर टेस्ट करी तो कोई भी आयनिक ब्रोमाइड, आयनिक हैलाइड हो तो उसने रिस्पॉन्ड करना है। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर कई बार वो ये सवाल पूछते हैं कि CCl4 रिस्पॉन्ड नहीं करता। भाई क्यों नहीं करता? क्योंकि वो कोवेलेंट हैलाइड है। तो अगर आयनिक हैलाइड है तो उसने AgBr की वाइट प्रेसिपिट, AgBr की येलो प्रेसिपिटेट जनरेट कर दी। अब क्या ये एलो प्रेसिपिटेट अमोनिया के अंदर सॉल्युबल है? आंसर है सॉल्युबल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ये सॉल्युबल है। तो ये भले ही यहाँ पे ऐसा दिख रहा हो लेकिन जैसे ही तुमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाली ये सॉल्युबल हो जाता। तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिल्वर की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। सिल्वर प्लस 4 सो नहीं कर सकता लेकिन 1 और 2 तो सो कर सकते हैं। 1 भी बड़े रेयर हैं, तुम्हारे में जितने चीज़ें दे रखी है 2 सो कर रखे हैं। क्या चीज़ें सो कर सकते हैं? मतलब डाउट किसके ऊपर है? 2, 4 के ऊपर, 6 के ऊपर तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है। 1 भी ऐसी कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, तो लोग 2 और 4 के बीच में आके फंस जाते हैं। इसने क्या करा होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन के अंदर 4 डाल रखी होती है। तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आंसर 4 नहीं है। और ये जो लास्ट का पार्ट है ये क्लोरीन वाटर टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इस वाले का नाम क्या है? क्लोरीन वाटर टेस्ट। इसका नाम है क्लोरीन वाटर टेस्ट। इसमें जैसे बाकियों में हमने सॉल्ट सॉल्यूशन ले रखी है, यहां पे सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हैं। तो मैं बता रखा था पिछले वीडियो के अंदर में कि सोडियम एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट ले रखी है यानी कि थ्री टाइम्स हमने क्या लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन ली, इसमें 3 times Na2CO3 डाली, इसे बॉयल करा, बॉयल करने के बाद इसे फिल्टर आउट करा, जो फिल्टर आउट है जो लिक्विड है उसे कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। और इस सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ अगर हमने Cl2 पास करी तो वहाँ पे एक ब्राउन लिक्विड का लेयर जनरेट हो जाना है। ये कुछ इस तरीके की चीज़ होती है ऐसे। तो हमने जब इसमें डाली तो 2 लेयर जनरेट हो गई, ठीक है, एक ब्राउन लेयर की जनरेट हो जानी है, ब्राउन लेयर लिक्विड, जो इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे Br2 वापस जनरेट हो गए। Br2 की नेचुरल स्टेट क्या है? लिक्विड की है, गैस नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये लिक्विड की आनी चाहिए, अगर तुमने इसे गर्म करा तो ये गैस बन जानी है। अब यहां पे हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर तुमने ज्यादा क्लोरीन यूज करी तब क्या होगा, तब यहां पे ब्राउन की जगह येलो कंपाउंड जनरेट होने हैं और वो Br2 की जगह BrCl होना है। तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर उसने पूछा कि इस वाले के अंदर में हमने एक्सेस में क्लोरीन ले ली तो क्या होगा, तो यहाँ पे 2 चीज़ों का फर्क है। ब्राउन की जगह अब इस बार येलो जो कलर है वो कलर चेंज हो जाने हैं और कंपाउंड ऑब्वियसली कंपाउंड भी चेंज होने हैं। Br2 की जगह अब ये BrCl है यानी कि क्लोराइड ऑफ ब्रोमीन, मोनोक्लोराइड ऑफ ब्रोमीन जनरेट हो जाने हैं। तो ये यहाँ पर ब्रोमाइड के है।